नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग जानेंगे जन्म कुंडली में मेष लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव में कैसा रहेगा गज केसरी योग का प्रभाव। इसके बारे में गज केसरी योग ये बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि संबंध से बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा की प्रतियुति से बनता है, एक दूसरे की राशि परिवर्तन से बनता है, बृहस्पति और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन से बनता है। कई तरह से यह योग बनता है, लेकिन ज़्यादा प्रभावी होता है दोनों की युति से बना हुआ गज केसरी योग। मेष लग्न में जानेंगे कि गज केसरी योग बनेगा या नहीं, और बनेगा तो किन किन भावों में, और नहीं बनेगा तो किन किन भावों में नहीं बनेगा। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। मेष लग्न के लिए चंद्रमा चतुर्थ स्थान का स्वामी है और योग कारक भी है, क्योंकि केंद्र का स्वामी है, साथ ही लग्नेश मंगल का मित्र भी है। अब जुपिटर की बात करते हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी है, वो भी लग्नेश का मालिक है, तो एक केंद्र का मालिक हो गया, एक त्रिकोण का मालिक हो गया। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग लगेंगे और साथ में गज केसरी योग लगेगा, केंद्र में कई जगह हंस योग भी लगेगा, तो श्रेष्ठ फल यहाँ तो एक तरह से दिखाई देता है, क्योंकि लग्नेश इसका मित्र है इन दोनों ग्रहों का, और इन दोनों को भी इस लग्न की कुंडली में बहुत ही अच्छे भाव मिले हुए हैं। तो आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव में। यदि गज केसरी योग प्रथम भाव में गुरु और चंद्रमा बैठेंगे तो गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मित्र राशि में बैठे हैं, भाग्येश लग्न में है, चतुर्थेश लग्न में बैठा है, भाग्यशाली योग बनता है, जीवन में भाग्य धन धान्य की कमी नहीं रहने वाली है, संतान शिक्षा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद का भी सुख मिलेगा। सेकेंड हाउस में यहाँ पर चतुर्थेश उच्च का होकर बैठा है, भाग्येश धन के घर बैठा है, जीवन में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड समस्या नहीं रहेगी, जीवन में धन की स्थिति सदैव बनी रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, आयु लंबी रहेगी, जातक दीर्घायु होगा, जातक का कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, जातक को किसी भी प्रकार का रोग जल्दी नहीं छुएगा। अब तीसरे हाउस में बात करते हैं। तीसरे हाउस में गज के सहयोग आपके मेहनत के अनुसार फल देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों शत्रु राशि में बैठा है, बृहस्पति भी शत्रु राशि में बैठा है और चंद्रमा भी शत्रु राशि में बैठा है। हालांकि आपका यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ जो है वो आपको 16 वर्ष में भाग्योदय कर देगा, पर यहाँ पर 50% आपको रिजल्ट गज केसरी योग का मिलेगा। चतुर्थ स्थान में हंस योग बनेगा, जलधि योग बनेगा, और तो और गज केसरी योग बनेगा। यहाँ पर तीनों योग बनने के फलस्वरूप जीवन में कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यवसाय में उन्नति, बिजनेस में उन्नति, भाग्य का सहयोग, पिता का सहयोग, बड़े भाई बहन का सहयोग, जीवन साथी का सहयोग, दीर्घ आयु, माता का सहयोग, मित्र का सहयोग, ये सभी चीज आपको मिलेंगे चतुर्थ स्थान में हंस योग, गज केसरी योग और जलधि योग का फल। पंचम स्थान में मित्र के घर में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, जीवन में संतान सुख प्रेम संबंध हर प्रकार का सुख सुविधा मिलेगा, भाग्य धन करूंगा। छठे स्थान में कभी भी मेष लग्न की कुंडली के छठे स्थान में गज केसरी योग नहीं बन पाएगा, अपितु यहाँ पर ये कहें कि शत्रुहंता योग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेष लग्न की कुंडली के शत्रुहंता योग बताते हैं यदि छठे स्थान में, तो छठे स्थान में यहाँ पर शत्रुहंता योग के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, पर कुछ हद तक बनेगा, क्योंकि भाग्येश छठे स्थान में जाकर बैठा है और चतुर्थेश रोग स्थान में। अगर यहाँ पर रोग जातक को होता है तो वो होगा हृदय से संबंधित बीमारी होगा और ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, और दूसरा होगा तो थायराइड और डायबिटीज बीमारी यहाँ पर होगी। लेकिन शत्रुहंता योग शत्रु को बचाने, शत्रु से बचाव करने का काम बृहस्पति और चंद्रमा सदैव करेंगे। सप्तम स्थान में बात करें तो शत्रु ही राशि में, लेकिन यहाँ पर गज केसरी योग बनेगा, जीवन साथी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, गुणवान होगी, पढ़ी लिखी होगी, जॉब वाली होगी, किसी शिक्षित या एजुकेशन से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में कार्यरत होगी, और भी कई तरह के योग यहाँ पर अच्छे बनते हैं। गज केसरी योग का फल जीवन में शुभ कर्म से अच्छे धन आगमन की स्थिति बनती है। अष्टम स्थान में कभी भी गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी नीच का हो गया है और यहाँ पर नीच भंग योग होने पर भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीच भंग तो हो जाएगा पर नीच भंग में भी अष्टम भाव में कोई केंद्र अथवा त्रिकोण है नहीं कि जहाँ से अच्छा फल मिलेगा, अष्टम स्थान है, लेकिन फिर भी कोई हानि भी नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा तो कोई हानि भी नहीं रहेगा, न्यूट्रल यहाँ पर गज केसरी योग रहेगा। बारहवें स्थान में जो गज केसरी योग बनेगा, जमीन जायदाद एक से अधिक मिलेगा, छोटी मोटी विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का भी योग बनता है यहाँ पर। दसम स्थान में गज केसरी योग नहीं बनने का कारण ये नज़र आता है कि बृहस्पति यहाँ पर नीच का हो जाता है। बृहस्पति जब यहाँ पर नीच का होगा तो पिता के सुख में कमी करेगा, माँ के सुख में कमी करेगा, और यदि आप जन्म स्थान से दूर कहीं प्रयासरत करते हैं अथवा जन्म स्थान से दूर भी प्रयास जाते हैं किसी भी प्रकार की लाभ के लिए, चाहे धन के लिए अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र के लिए, तो वहाँ भी सहयोग नहीं मिलेगा। हाँ, चतुर्थेश जो चंद्रमा है वो अपने ही भाव को देख रहा है,
सो यो भाव स्वामी दृष्टियुतो वा तस्य स्थानं वृद्धि, ये जो श्लोक है ये अवश्य लागू होगा। और वहाँ पर आपको जल से संबंधित क्षेत्र में, जल से संबंधित जो भी क्षेत्र में है, क्योंकि 10-11 से कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर जल से संबंधित क्षेत्र में जातक को अथवा जातिका को सुख अथवा जो भी है सफलता जरूर मिलेगी। एकादश स्थान में गज केसरी योग बनेगा, यहाँ पर भाग्यश चला गया है जा करके आय के घर में और व्ययेश चलाया है आय के घर में। वही बात करें चंद्रमा का तो चतुर्थेश एकादश स्थान में गया है अपने से अष्टम स्थान में। गज के योग का लाभ मिलेगा, पर जीवन में जैसे ही धन आए वैसे ही धन जाने का योग बहुत जल्दी नजर आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो यहाँ पर बैठा है बड़े भाई बहन से सहयोग देगा, संतान भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, जीवन में मेहनत की भी अधिकता रहेगी, मेहनत अधिक करेंगे आप, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। किंतु चतुर्थ स्थान का स्वामी अपने से अष्टम में गया है, लाभ प्राप्ति के लिए काफ़ी संघर्ष कराएगा, और व्ययेश एक भाग्येश भी यहाँ पर जुपिटर है और व्ययेश भी यहाँ पर जुपिटर है। सो हमें यह देखना होगा कि गज केसरी योग एकादश भाव पर बनने वाले के लिए हमें यह देखना होगा कि एकादश भाव का स्वामी जो शनि है उसकी स्थिति कहाँ पर प्लेसमेंट है, वो कैसा स्थिति में, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर भाग्येश होने के कारण, बृहस्पति यहाँ पर भाग्येश होने के कारण एकादश स्थान में चार चांद लगाने का काम करेगा, लेकिन वहीं व्ययेश का फल जब देगा तो धन को सदैव व्यय की ओर ले जाएगा। इसके लिए हमें गज केसरी योग का श्रेष्ठ फल के लिए, चूंकि लाभ के लिए हम देख रहे हैं एकादश स्थान में, तो उसके लिए हमें विचार करना होगा कि शनि की स्थिति कैसी है, शनि अथवा शनि केंद्र अथवा त्रिकोण में है, स्वराशि का है या उच्च का है, तो ये अच्छा रहेगा इसके लिए, तो फिर इसकी अच्छा रहेगा, केंद्र अथवा त्रिकोण में भी है तो ये अच्छा रहेगा, लाभ अथवा धन में भी बैठेगा तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं शनि यदि 6-8-12 से कनेक्ट कर गया, यानी छठे स्थान में चला गया, तो मित्र राशि में भले छठे स्थान में जाएगा, अष्टम में जाएगा शत्रु क्षेत्र में, 12वें स्थान में जाएगा सम क्षेत्र में, तो कभी भी मेष लग्ने की कुंडली में यदि शनि 6-8-12 में चल जाता है तो अच्छा फल आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेगा इसका, क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी वीक हो जाएगा और किसी न किसी प्रकार का एक लंबी बीमारी आपको जरूर दे देगा, साथ में ये आलसी भी बनेगा। 12वें स्थान में कभी भी गज केसरी योग नहीं बनेगा, ये 12वें स्थान में जो गज केसरी योग बनेगा, 12वें स्थान का स्वामी खुद 12वें स्थान में बैठा है और यहाँ चतुर्थ स्थान का स्वामी 12वें स्थान में चला गया है, विदेश सेटलमेंट का मालिक स्वराशि में है और अपने क्षेत्र का मालिक चला गया है विदेश स्थान में, यानी विदेश के घर में। तो हम यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यदि जातक जन्म स्थान से दूर जाए तो कुछ हद तक उसे लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर सरल नामक विपरीत राजयोग में रहेगा। 6-8-12 भाव का स्वामी यदि 6-8-12 भाव में अच्छी जगह में प्लेस्ड हो जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। 12वें स्थान में स्वराशि में बैठेगा तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का फल देगा, किंतु देगा कब, जब जन्म स्थान से दूर रहेंगे उस स्थिति में। और ये वैसे भी यदि 12वें स्थान में मेष लग्न की कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ हो तो जरूर ये भेज देगा जन्म स्थान से दूर, क्योंकि चतुर्थ स्थान हमारे स्वक्षेत्र का होता है, खुद के माता का होता है, और वहाँ से 12वां स्थान जाता है, सो यहाँ पर माँ से भी वियोग का योग बनता है। माँ चूँकि जन्म स्थान में ही रहेगी और आपको माँ से छोड़कर दूसरा स्थान में जाना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान माँ का होता है और उसी भाव का स्वामी 12वें स्थान में जाएगा, 12वें भाव के स्वामी के साथ और भाग्येश के साथ। सो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी जन्म कुंडली में, जिस भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली के 12वें भाव में मेष लग्न की कुंडली में गज के श्री बना हुआ रहेगा, वो उस जातक को केवल और केवल जन्म स्थान से दूर रहने पर ही, चाहे वो राज्य का ही परिवर्तन क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट का ही परिवर्तन क्यों ना हो, कंट्री का ही परिवर्तन क्यों ना हो, किसी न किसी प्रकार से ये परिवर्तन होनी चाहिए और जो जरूर रहेगा, क्योंकि बिना इसके परिवर्तन के 12वें स्थान में जो गज केसरी योग है उसका लाभ मिलना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जब जन्म स्थान से दूर रहेंगे तभी वहाँ पर अच्छा फल देगा, भाग्य भी चमकेगा, छोटी मोटी विदेश यात्रा भी होगी, पिता का भी सहयोग मिलेगा, माँ का भी सहयोग मिलेगा, पर कभी भी माँ के साथ नहीं एक रह पाएंगे। यदि चाहेंगे माँ बाप की सेवा करना तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12वां स्थान एक तरह से हानि का भी है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में यह आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा, लाभ देगा पर उतना ज़्यादा नहीं, विपरीत परिस्थिति में देगा और जन्म स्थान से दूर भेजेगा। यदि मैं मेष लग्न की कुंडली के पूरे भावों की बात करूं कि कहां कहां गज केसरी योग बनेगा और कहां कहां नहीं बनेगा, तो ज़्यादा प्रभाव इसका प्रथम भाव में रहेगा, द्वितीय भाव में रहेगा, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, इन भावों में ज़्यादा रहेगा। यदि इसकी योग की कमी आती है तो ज़्यादातर कमी 6-8 इन दोनों भावों में कभी भी गज केसरी योग नहीं बनता हुआ दिखाई देता है, और सम फल यानी उससे भी थोड़ा ज़्यादा फल तो वो बनता है तीसरे हाउस में। और यदि बात करूँ मैं सबसे
कम पावरफुल के, तो 12वें स्थान में गज केसरी योग बनेगा, सबसे कम पावरफुल गज केसरी योग। ये था दर्शकों मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव में गज केसरी योग का प्रभाव। अगला वीडियो में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित लेकर होऊंगा वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें भाव में गज केसरी योग का प्रभाव को लेकर।